हाय गाइस, वेलकम टू लवली प्रियंका चैनल। और आज मैं आप लोग के साथ फ्राइडे स्पेशल ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ और मैं बना रही हूँ पॉम्फ्रेट फिश। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग के साथ कंटिन्यू कीजिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लवली प्रियंका में, जहाँ मैं बातें करती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल। गाइज, इंट्रो तो हो गया, चलिए अब बात करते हैं कि आप सब कैसे हैं। और बहुत ही ज़्यादा आज मैं खुश हूँ, आपको ये ग्लो देख के पता चल रहा होगा। बिकॉज रीज़न ये है कि मैं कमिंग डेज़ यानी आई थिंक कल ही मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग शेयर करूँगी और आगे भी मैं शेयर करूँगी। मैं जा रही हूँ एक हॉलीडे ट्रिप पे और बहुत पास ही जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ वो सब मैं आपको ब्लॉग में शेयर करूँगी, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा। एंड गाइस, जो लोग मुझे अभी तक नहीं जानते, मैं उनको एक छोटा सा इंट्रो दे दूँ कि मेरा नाम प्रियंका है और मेरे चैनल का नाम है लवली प्रियंका, जहाँ मैं शेयर करती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल। और ब्लॉग भी शेयर करती हूँ, ब्लॉग मैं तब शेयर करती हूँ ना जब कुछ मैं स्पेशल इंटरेस्टिंग करती हूँ, ऐसे मैं हर टाइम ब्लॉग शेयर नहीं करती हूँ। और मैं अपने जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं ब्लॉग हमेशा वीकेंड पे शेयर करती हूँ, क्योंकि वीकेंड पे हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता है। मैं कहीं घूमने जाती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, मैं कुछ नई डिशेज़ ट्राई करती हूँ, तभी मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ। अगर मुझे ये भी पसंद है बहुत ज़्यादा, तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पॉम्फ्रेट फिश बना रही हूँ। और अभी हमारे उन्होंने बिल्कुल समुद्र में जा कर के जो टिपिकल जो मछुआड़े मछली लाते बिल्कुल फ्रेश फिश ला के दिए हैं, तो मैं यूट्यूब से देखी हूँ वीडियो और फिर मैं बनाऊँगी और आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो आप मेरे वीडियो के साथ कंटिन्यू कीजिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि पॉम्फ्रेट फिश झटपट में कैसे बनाते हैं। और मुझे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, तो चलिए यही सब बात करना था। और फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से एक और बात करनी है। जब ब्लॉग के माध्यम से क्या होता है ना, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। और थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आप लोग भी, और या फिर मुझे गाइड कीजिए कि मैं ऐसे क्या वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को मेरे चैनल पे क्या देखना पसंद है। बिकॉज थोड़ा सा आप लोग हेल्प करोगे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और मैं कुछ ना कुछ आप लोग के लिए स्पेशली बनाऊँगी, इट्स माई प्रॉमिस। एंड चलिए फिर कंटिन्यू करती हूँ कि मैं कैसे पॉम्फ्रेट फिश बनाती बहुत ही ईजी वे में। तो चलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बनी रही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए कंटिन्यू करते हैं, तो चलिए अपने किचन में लेकर के चलती हूँ और कैसे बनाते हैं पॉम्फ्रेट फिश वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश फिश से आज ही समुंदर से ये मेरे घर के जो केयर टेकर हैं वो लेकर के आए हैं, और वही जो मेरी घर में हाउस हेल्पर है वो हेल्प कर रही है, इसे कट करेंगी और उनके बस सारी प्रोसेस क्लीन वगैरह कर देंगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी। क्योंकि मुझे मछली साफ़ करना और उसे कैसे कट करते वो मुझे नहीं आता है, और तो दी मेरी हेल्प कर रहे हैं, वो बस इसको सफाई करके रख देंगी और मैं इसे बनाऊँगी। तो देखिए बहुत फ्रेश फिश है और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ पॉम्फ्रेट, मैंने आज से पहले कभी नहीं बनाया है। इनफैक्ट मैंने कभी फ़िश भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, लेकिन हाँ मैंने आप लोगों के साथ एक और जो बिहार स्पेशल सरसों मसाला वाला फ़िश जो होता है ना, उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। गाइज, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप बिहार स्पेशल फेमस फ़िश सरसों मसाला वाला खाना चाहते हैं तो आप वहाँ से जा कर के वीडियो देख करके ट्राई कर सकते हो गाइज। और यहाँ पर हमारी फ़िश का तो प्रोसेस हो चुका है, अब चलिए बनाते कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हल्दी, मिर्चा, नमक, धनिया पाउडर और काली मिर्च, जो भी आपको इंडियन मसाला होता है ना उसे ले लेना है अंदाज से, जितनी आपकी मछली की क्वांटिटी है। आप सारे मसाले में से, जैसे मैंने यहाँ पे हल्दी, मिर्चा, धनिया, नमक स्वाद अनुसार लिया है, चाट मसाला भी लिया है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सूजी डाल रही हूँ, रवा जिसे रवा बोलते हैं वो भी मैं 2 से 2.5 चम्मच डालूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी आपको जिंजर गार्लिक का पेस्ट और बेसन, बेसन पाउडर भी आप, अगर बेसन या फिर आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। और इस तरीके से एक आपको ड्राई पाउडर रेडी कर लेना है। अब मैं दूसरा मसाला वो रेडी करूँगी जिससे फ़िश को मैरिनेट करते, तो यहाँ पे मैं नमक ले रही हूँ, और मसालेदानी में मेरे हल्दी, नमक, लाल मिर्चा और यही सारे मसाले हैं। इन सारे मसालों का मैं सारा आपको देख रहे हैं सामने वीडियो में, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि मैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और स्वाद अनुसार नमक लूँगी। इसमें आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बस इन चार मसालों की हेल्प से बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है
और नींबू का रस लूँगी। और यहाँ पे मेरा मैरिनेशन के लिए जो बैटल होता है वो रेडी हो गया, और मैंने ज़रा सा इसमें बेसन डाला है और इसको बहुत अच्छे से मुझे कर लेना है। इन सबको मैं एक साथ मिला लूँगी, मिलाने के जस्ट आपको, और ये जब मसाला मेरा रेडी हो जाएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो उसके साथ हमें कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पे सारी फिशेस को बहुत अच्छे से कोट कर लूँगी, यानी आपको फिशेस को ऊपर भी और अंदर भी उसके सारे स्टफिंग कर लेनी है, और कुछ इस तरीके से आप फिंगर की हेल्प से रगड़ रगड़ के मल मल के कहते हैं ना उसको, आप बहुत अच्छे से सारी फिशेस में आप उसे थोड़ी देर के लिए लगा करके और 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक नींबू का रस डालना भूल गई थी, तो मैं आपको ऊपर से ऐड करके दिखा रही हूँ। आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इमली का भी पानी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से मैं सारी फिशेस को अच्छे से कोट कर लूँगी, और कोट करने के बाद सिर्फ 10 मिनट्स के लिए मैं इसे मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। आप फ्रिज में भी डाल सकते हैं, फ्रिज में डालने से क्या होता है बहुत जल्दी मैरिनेट हो जाता है। और बस इस तरीके से इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू करना है, और उसके बाद मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे, मैरिनेट होने देंगे। और उसके बाद फिर जब भी उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने रवा यानी आपको सूजी लिया था और बेसन पाउडर लिया था, इसमें भी मैंने हल्का हल्का बिल्कुल जरा सा चिली पाउडर और जरा सा हल्दी पाउडर ऐड किया, थोड़ा सा कलर के लिए, क्योंकि मैं इसमें कोई कलर ऐड नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको ड्राई तैयार कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे नॉनस्टिक पैन ली हूँ, आप चाहें तो लोहे की कढ़ाई वगैरह भी ले सकते हैं। नॉनस्टिक पैन पे आपको डालना है मस्टर्ड ऑयल, आप अपनी जो भी यूज़ करते वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मस्टर्ड ऑयल में ही कुकिंग करना प्रिफर्ड करती हूँ। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, और इसके बाद ये जो ड्राई मैंने रवा और बेसन का जो पाउडर रेडी किया है उसमें अपने सारे फिशेस को मैं अच्छे से कोट कर लूँगी। बिल्कुल अच्छे से कोट कर लेना है आपको, और कोट करने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा रहता है उसे आपको हल्का सा आप झाड़ देंगे तो निकल जाएगा। और जब आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उस पर आप डाल दीजिए, और देखिए कुछ इस तरीके से ये चटक चटक की आवाज़ आती है। इस तरीके से मैं एक एक करके सारे पॉम्फ्रेट फिश, इसे पापट बोलते हैं, और इसे अच्छे से मैं सरसों के तेल में डीप फ्राई तो नहीं कर रही हूँ, मैं एकदम हल्का सा सैलो फ्राई कर रही हूँ। और बस आपका ये कंटिन्यू करते रहना है आपको। और यहाँ पे मैंने अपनी सारी फिशेस को सारी तीन तीन करके मैं डाल रही हूँ। मेरे पैन का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। तो इस तरीके से आप जब मछली आपकी एक लेयर जब पक जाता है तो थोड़ा सा फूल जाता है ऊपर की तरफ से, और जब अच्छे से ये फूल जाए तो उसको आपको पलट देना है बहुत केयरफुली आप इसे पलट। और यहाँ पे आपका जब फिश बहुत अच्छे से एक तरफ से फ्राई हो जाए तो फिर हमें दूसरी तरफ से इसे पलट करके पकाना है। और कुछ इस तरीके से आपका फिश पक जाने के बाद बहुत अच्छे से फ्लफी हो जाता है, फूल जाता है, और दूसरी तरफ भी आपको पलट करके पका देना है। और आप मेरे वीडियो के साथ कंटिन्यू करते रहिए। और यहाँ पे मैं सारी फिशेस अच्छे से फ्राई हो गई है, अब मैं अपने प्लेट में अनियन एंड कुछ लेमन के स्लाइसेस रख कर किसे सर्व करूँगी। गाइस देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना था और बहुत ही यम्मी, इसका टेक्सचर आप देख के पता कर सकते हैं कि बहुत ही यम्मी बना था। और चलिए इस वीडियो के साथ आप इंजॉय कीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।